हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये देखिए, मैं आज मॉर्निंग में जब गमला में देखी, इतना सुंदर फूल खिला हुआ था। देखिए, पर्पल कलर का कितना खूबसूरत फूल है। इसे देख करके मैं सोची, वाओ, इसे तो लेने बनता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, आप लोग बताइए कितना सुंदर। देखिए, बारिश के बाद ये फूल। और ये देखिए, मीठा नीम का पेड़ है। ये किचन से मैं जब आई किचन में, तो देखी हर एक डाल पे देखिए चिड़िया बैठी हुई। आई होप आप सबको दिख रही होगी छोटी छोटी चिड़िया, उसके ऊपर भी देखिए कितनी सुंदर चहक रही है। अभी मौसम मतलब बारिश नहीं हो रहा है, दो दिन से ये लोग भी अपने अपने घर में छुपे हुए थे, अपने अपने घोंसला में घुसे हुए थे। आज आज़ादी के संग देखिए निकल के अपना अपना पंख छू सुखा रहे हैं। कितने प्यार से देखिए चहक रहे हर एक डाली पर। देखिए आप ध्यान से, ये ओडिशा में तो मौसम इतना बुरा इतना बुरा। आज मौसम थोड़ा सा सही हुआ है, बारिश तो बिल नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हल्का हल्का सा फुहारा वाला होता है ना, वैसा बारिश है। पर यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा मतलब इतना आंधी तूफान, दो दिन पूरा जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त, बिल्कुल थम सा गया था। आज का मौसम थोड़ा अच्छा है, बाकी दो दिनों से आंधी तूफान के संग बारिश आप लोगों ने न्यूज़ में तो देखा ही होगा। आज कोई रेसिपी तो नहीं बना रही हूँ, पर हम लोग हाउसवाइफ लोगों के लिए मतलब एक होता है ना, बचे हुए चीज़ों से कुछ भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो जैसे कि सबके घर में मतलब पसंद नहीं होता है जो दूध का मलाई होता है ना, मलाई खाने के लिए, तो वो मलाई हम लोग इकट्ठा करके, मैं खास करके इकट्ठा कर लेती हूँ, इकट्ठा करके और उसको रख स्टोर करके फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में रखने के बाद में मैं क्या करती हूँ, उसको 8-10 दिन का रख देती हूँ, 8-10 दिन हो जाता है, उसके बाद में मैं उसको घी बना लेती हूँ। तो मार्केट से तो हम लोग घी लेते हैं, लेकिन मार्केट का घी और घर का घी में बहुत फ़र्क होता है। मार्केट के घी में होता है कि मतलब जैसे बहुत सारा केमिकल वगैरह सबको अपना, लेकिन घर में हम लोग अपना प्योर घी बनाते हैं। लेकिन बहुत लोग खिचकते हैं घर में घी बनाने से, कि मतलब घी कैसे बनाएं, उसमें बहुत सारा बर्तन हो जाता है, ये हो जाता है मेहनत के चलते। तो लेकिन इसमें कोई मेहनत नहीं है, आप लोग देखेंगे कि बहुत ईजी प्रोसेस के साथ में मैं घी, ना ज़्यादा बर्तन होगा। बहुत लोग का होता है कि हम अभी मिक्सी में डालेंगे उसको, ये ब्लेंड करेंगे, ये करेंगे, तो एक मिक्सी हो जाएगा, फिर एक बर्तन होगा, एक कढ़ाई होगा, ये होगा वो होगा, ऐसे सोच करके छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग बहुत कम बर्तन के साथ और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। हम लोग का वैसे भी आजकल सबको, सभी कोई हेल्थ कॉन्शियस है, तो मलाई तो खाते हैं नहीं, ऐसे ही वेस्ट जाता है, या फिर किसी रेसिपी में हम लोग यूज़ कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं। तो ऐसा ना करके घी भी तो बहुत ज़रूरी है, और जिनके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो बच्चों को भी प्योर घी मिल जाएगा, घर का अपना बनाया हुआ बहुत अच्छा वाला घी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे घी बनता है। घी बनाने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, जो हम लोग मलाई को ना स्टोर करके जो फ्रिज में रखें, उसे 1 घंटा पहले हम लोग निकाल देंगे। तो मैं आज 1 घंटा पहले ही निकाल के बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दी थी। उसके बाद में ये देखिए, मेरा ये पाँच से छः दिन का ये घी है, 5-6 दिन का करीबन ये घी है। तो मेरा ये 5-6 दिन में मलाई इतना इकट्ठा हो गया था, तो मुझे लगा कि आज इसको घी बना लेना चाहिए, आज कोई काम नहीं था। तो इस जिस दिन कोई काम नहीं रहता, मैं इसको हाथ में लेती हूँ। और ये देखिए, इसको ना हम लोग देखिए मिला लेंगे, लेकिन ये कांटा वाला चम्मच से ही करना है। मैं जो दिखाई आपको बोलना भूल गई, कांटा वाला चम्मच मैं इसलिए ली हूँ क्योंकि कांटा वाला चम्मच ही इसका एक अच्छा ट्रिक है, जिससे कि घी बहुत जल्दी निकल के रेडी हो जाता है। इसे हम लोग एक ही डायरेक्शन में बस उसको फेंटना है हम लोग को, और इतना जल्दी 5 से 10 मिनट के अंदर में घी एकदम बढ़िया, देखिए फेंटते फेंटते देखिए कैसे गाढ़ा हो गया, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये एकदम अलग हो जाएगा, घी अलग हो जाएगा, और उसका जो मक्खन पानी जो है लस्सी, वो अलग हो जाएगा। जब अलग अलग दोनों हो जाए तो समझिए घी, अभी ये देखिए नहीं हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ पे हम लोग को अभी और थोड़ा सा मिलाना है, फिर ये देखिए अच्छे से हम लोग इसको एकदम एक ही डायरेक्शन में हम लोग मिलाते मिलाते, ये देखिए इसका अब देखिए थोड़ा घी निकलना अलग हो गया है। देखिए घी अब निकल के जब अलग हो गया है, देखिए पानी पानी जैसा जो होगा ना, वो अलग हो जाएगा। और ये देखिए दाना दाना सा जो दिख रहा है आपको, ये घी है। और इसी को हम लोग और थोड़ा सा फेंटेंगे, बहुत अच्छा एक जगह मक्खन की तरह ये इकट्ठा हो जाएगा। ये देखिए इसको अच्छे से हम लोग बढ़िया से, इसीलिए यही एक ऐसा ट्रिक है जो कि कांटा वाला चम्मच फॉक जो होता है ना, जिसे हम लोग मैगी चाउमीन खाते हैं वो वाला, उसी चम्मच से इतना जल्दी हो जाता है। तो एक ही बर्तन में देखिए हम लोग का ज़्यादा ना कोई चिपचिपा ना कुछ भी, कितना आराम से हो गया। और ये मैं जब ये घी बनाने के लिए जब स्टोर करती हूँ ना मक्खन को, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, एक एक चम्मच दही डालते जाती हूँ, बीच बीच में दही दे देती हूँ, ताकि वो बहुत अच्छे से बैठ जाए। और अच्छा बाद में इसका हम लोग, इसका जो लस्सी निकलेगा उससे हम लोग अपना कढ़ी वगैरह कुछ भी जो बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छे से अभी हम लोग इसमें पानी पूरा अलग हो गया है और मक्खन अलग हो गया है। अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी
ऐड करेंगे। देखिए इसमें हम लोग पानी डाल देंगे, पानी डालने से क्या होगा मक्खन एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। फिर थोड़ा सा मिला के देख लीजिए, देखिए आपको अब मक्खन दिखने लगा है, ये देखिए। अब हम इसे हाथ से, अब ये चम्मच का देखिए कांटा वाला चम्मच को हम हटा देंगे, हाथ से मक्खन को गाड़ गाड़ के अच्छे से और थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। और इसको हम लोग मक्खन देखिए कैसे एक जगह इकट्ठा हो गया है, तो कितना आसानी से बिल्कुल 5 से 10 मिनट में देखिए ये कितना सुंदर मक्खन, देखिए एक जगह एकदम मक्खन, ये देखिए अच्छे से हम लोग इसको कर लिए हैं, बहुत अच्छे से ये हो गया है। इसका पानी गाड़ के अगर हम लोग इसी तरह से आराम से जिसमें हम बनाएंगे ना वो कढ़ाई हो पैन हो, ये देखिए मैं इस पैन में बनाऊंगी तो इसी में निकाल लूँगी ताकि हमको ज़्यादा बर्तन कुछ ना करना पड़े। ये देखिए कितना आराम से ये मक्खन निकल जा रहा है, और ये देखिए हमारा मक्खन कितना सुंदर से निकल गया और कोई मेहनत नहीं लगा, इतना सारा बहुत क्वांटिटी में हम लोग का मक्खन निकल गया। और ये जो उसमें का लस्सी निकला है, ये लस्सी को मतलब आप चाहें तो ऐसे ही पी लें या फिर चाहें तो आप इसका कढ़ी बना के खा लें, मैं स्टोर करके इसको फ्रिज में रख दूँगी। हैं इसको इस मक्खन को घी बनाने के प्रोसेस में, और ये देखिए ये हमारा घी मेल्ट हो गया है। अब इसको हम लोग धीरे धीरे हिलाते रहेंगे, नीचे लगना नहीं चाहिए बस। अभी इसको धीरे धीरे हम लोग पकने देते हैं, बीच बीच में इसे हिलाते रहेंगे। देखिए तो फ्रेंड्स देखिए ये घी का हमारा कैसे ये चेंज हो गया, देखिए पूरा धीमी आंच में, अगर अभी लग जाएगा तो अच्छा नहीं, जितना भी ये बबल्स जो आए हैं ना सब अभी ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे। ये देखिए देखिए कितने अच्छे से हमारे घी बन के अभी और थोड़े देर में तैयार हो जाएंगे, बहुत कम टाइम में ये घी बन जाता है और बहुत ही कम मेहनत के साथ में। ये देखिए और ये देखिए लगभग बनने का, ये देखिए प्रोसेस में है, अब ये लगभग घी बन ही गया है। ये देखिए और थोड़ा सा हम पका लेंगे, जब उसके अंदर का वो जो दिख रहा है ना थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाएगा तो समझिए आपका घी रेडी है। और ये देखिए अंदर का जो हम लोग उबाल रहे थे वो अंदर वाला भी जो होता है ना मलाई का वो बैठ गया, और देखिए बिल्कुल ब्राउन कलर का हो गया है। बहुत लोग वाइट ही निकाल देते पर ब्राउन हो जाने से घी का बहुत अच्छा खुशबू आता है। तो ये हमारा घी देखिए लगभग अब ये रेडी है, और ये जब ठंडा होगा ये सब फैन ख़त्म हो जाए। और ये देखिए ठंडा हो गया है, और इसे हम अब अच्छे से छान लेंगे छलनी में, ताकि जो भी घी के अंदर जो छोटा छोटा वो जो मलाई जो ब्राउन कलर का हो गया है वो सब छान के बढ़िया से साफ़ हो जाए। और इसीलिए और ये देखिए मैंने छान के इसको रेडी कर लिया, और ये देखिए हमारा कितना क्वांटिटी में घी निकला है, बस 4-5 दिन के घी। और ये देखिए ठंडा होने के बाद मैं इसे एक जार में ग्लास के जार में रख ली हूँ, और देखिए कितने दानेदार और कितना खूबसूरत घी, ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा ही है पर केमिकल फ्री। तो फ्रेंड्स हमने देखा आज कितने इजी प्रोसेस से हमने घी निकाल लिया, और एक घी निकालने में कोई ज़्यादा बर्तन नहीं कुछ भी नहीं, बस एक में हमने निकाला और एक पे बना लिया, और दूसरा काम हो गया हम लोग का। देखिए वो घी से जो हम लोग का लस्सी निकला उस लस्सी से हम लोग कढ़ी बना लेंगे, तो नेक्स्ट डे हम लोग कढ़ी बना लेंगे, या उसी दिन बना लीजिए जब आपका मन करे, उसे फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए और आप उसका कढ़ी बना लीजिए, तो कुछ भी वेस्ट नहीं किया। घी का घी हो गया आपका, और इधर कढ़ी चावल बना लीजिए, कढ़ी रोटी बना लीजिए अपने पसंद का जो मन हो। तो हमारे एक एक मलाई रखने से कितना फ़ायदा हुआ सोचिए, तो मलाई के जरिए भी हम लोग बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और आप लोग को अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके बाय, टेक केयर।